नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पूरे देश में इस वक्त एक बड़ा सवाल है, अग्निवीर का भविष्य क्या होगा। सरकार ने कमेटी बना दी है, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट जल्द आती है और उसके बाद सरकार क्या फैसला लेती है। विपक्ष की मांग है कि हर हाल में सरकार को अपना फैसला बदलना होगा। सरकार मध्यम मार्ग पर जाना चाहती है। क्या होगा लोकसभा चुनाव के बाद जो नुकसान हुआ है, आने वाले राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव में क्या पार्टी उस नुकसान से बचने की तैयारी में अग्निवीर पर भी पुनर्विचार जो कर रही है उस पर पूरी तरह से बैकफुट पर जा सकती है या मध्यम मार्ग। ये सवाल जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, मेजर जनरल अनुज माथुर VSM हमारे साथ हैं और साथ ही राजपाल फोगाट, प्रदेश अध्यक्ष गौरव सेनानी शिक्षक संघ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आज इस वक्त जो तस्वीर नजर आ रही है, अग्निवीर पर सरकार का फैसला होना क्या चाहिए, क्योंकि आप इस पूरी देश की इस सबसे अहम महत्वपूर्ण सेना जो है उसको रिप्रेजेंट कर चुके हैं और उसका अहम हिस्सा रहे हैं। आज भी करीब से देखते हैं, आपने बहुत इस पर विस्तार से लिखा भी है, बहुत जगह आपने इस पर चर्चाएं भी की है। करना क्या चाहिए इस वक्त सरकार को? ऑडियो ऑन करिए माथुर साहब। हाँ, क्या अभी आवाज आ रही है मेरी? जी, सुन पा रहे हैं। हाँ, तो पहले तो आपका आभार, आपने मुझे यहाँ बुलाया। आपका प्रश्न है कि सरकार को अग्निवीर के बारे में क्या करना चाहिए। देखिए, इसके बारे में हमको थोड़ा सा पहले इतिहास में जाने की आवश्यकता है। एक मेरा मात्र सबसे गुजारिश रहेगी कि सेना और सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा का जहां प्रश्न होता है, वहां मेरा मानना है कि राजनीतिक की गुंजाइश कम होती है, तो हम लोगों को पूरे ओपन माइंड से इसको देखने की आवश्यकता है। इस बात की जरूरत 1962 में पहली बार देखी गई थी कि सेना की मीडियन एज जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि एक सैनिक जो है वो किन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ता है, हम सैनिक की बात कर रहे हैं, वो किन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ता है, तो उसमें बहुत बड़ा उसमें योगदान जो है फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस, रोबस्टनेस इनका होता है। तो मेरा ये मानना है कि जो बात 1962 से लगातार हम उस पर विचार करते चले जा रहे हैं, 1987 में श्रीलंका के वॉर के बाद दोबारा ये प्रश्न बहुत जोरों शोरों से उठा कि कैसे हम सेना के जवान की एवरेज एज, जो मीडियन एज है, उसको कम कर सकते हैं। उसके पश्चात 1999 में कारगिल युद्ध के बाद जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और जो 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 बना था और जो कारगिल कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी बहुत जोर शोर से इस बात को कहा था कि किसी भी प्रकार से प्रयास रहना चाहिए कि हमारी सेना की जो एवरेज एज है वो कम हो। तो इस बात पे कई सालों से, कई दशकों से विचार चलता चला आ रहा है और 2022 में इसके ऊपर एक हमने एक मॉडल निकाला, हमने मतलब देश ने, सरकार ने जो एक मॉडल निकाला, और वो मॉडल इस प्रकार अग्निवीर के रूप में सामने आया। अब जहां तक प्रश्न है कि अग्निवीर को वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरा ये मानना है कि इस स्कीम को आप देखें, इसको समझें, इसकी शक्तियां क्या है वो जाने, इसकी खामियां क्या है, कोई चीज परफेक्ट नहीं है, बहुत खामियां भी है इसमें, इसकी खामियां क्या है वो जाने, और फिर इसके ऊपर हम प्रयास करें कि किसी प्रकार से एक बैलेंस्ड और एक सोचा समझा हुआ निर्णय इस पर लिया जा सके। मेरा, अगर आप मेरे को इस स्कीम को समाप्त करने के लिए कहेंगी, तो मैं ये कहूंगा कि ये स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम है, एक दूरगामी मेरे हिसाब से प्रयास है, एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी की रिक्वायरमेंट जो थी, जो आवश्यकता थी सेना की, जो मांग थी सेना की, उसको पूरा करने का मुझे लगता है प्रयास किया गया है। और कोई भी स्कीम, कोई भी नई चीज जब आप लागू करते हैं तो उसको परिपक्व होने में समय लगता है। अब आप देखिएगा कि अगर मैं मीना जी, सिर्फ एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि इसमें बहुत ज्यादा कमियां होती
तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि सेना ने इसे कभी मंजूर नहीं किया होता, ये बात आप मान के चलिए। कोई राष्ट्र के सुरक्षा में कोई किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज सेना को कभी भी मंजूर नहीं है। 4 दशक मैंने सेना में निकाले हैं, मैं अच्छी तरह से हर चीज को समझता हूं। दूसरी बात, अब जब ये हमने स्कीम नई स्कीम बनाई उसमें कई प्रश्न उठाए गए। पहला प्रश्न था और जो कि वाजिब प्रश्न है कि कॉम्पैक्ट इफेक्टिवनेस का क्या होगा। देखिए, आपको किसी हथियार पे, किसी इक्विपमेंट पे, किसी चीज पे काम करने के लिए, उस पे महारत हासिल करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं होता कि आप एक टैंक में जनवरी में आप आए कमीशन होकर के और फरवरी में आप टैंक के मास्टर बन गए, सालों लग जाते हैं। तो कॉम्पैक्ट इफेक्टिवनेस पर कम सर्विस का असर पड़ सकता है, ये प्रश्न है। लेकिन मेरा मानना यह है कि कॉम्बैट इफेक्टिवनेस जो होती है वो जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होता है, उसके ऊपर कॉम्बैट इफेक्टिवनेस उसकी देखी जाती है। और जो पहले 4 साल होते हैं सैनिक के जीवन के, चाहे वो यहां हो या रेगुलर तरीके से एंट्री होना हो उसमें हो, तो पहले 4 साल में उसकी जो ट्रेनिंग है वो बेसिक सोल्जरिंग पे आधारित होती है, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द आर्मी की। तो ये एक कॉम्बैट इफेक्टिवनेस वाला प्रश्न है जिसको कि ये देखा जा सकता है कि इसमें असर पड़ सकता था। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये भी असर आप अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी लीडरशिप और अच्छे माहौल के साथ इसको इजीली कॉम्बैट कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी आपकी बात से मेरे जनरल को जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि ये स्कीम एक लंबे समय की मांग थी। इसका अगर क्रियान्वयन मोदी सरकार ने किया तो उसका जो इतना जबरदस्त विरोध क्यों हुआ, विरोध की वजह भी आपकी बात से समझ में आ रही है कि स्पेशलाइज्ड जो ट्रेनिंग का हिस्सा है उसमें अगर हम इतनी जल्दी जल्दी नई टीम तैयार करेंगे तो रिसोर्सेज में भी परेशानी आएगी। भारत अभी इतने रिसोर्सेज के लिए तैयार भी है कि नहीं है, इतने स्पेशलाइज स्किल्ड लोग भी ढूंढना आसान नहीं है, ये बात आपकी समझ में आती है। राजकुमार शर्मा जी, दिक्कत क्या है, क्यों आप पूरी तरह से, क्योंकि इतनी लंबी 62 से बात बता रहे हैं मेजर जनरल अनुज माथुर की, इस पर चर्चा 62 से शुरू हुई थी, 62 से जिस बात पर चर्चा शुरू है आज तो ऐसा लग रहा है अग्निवीर से बड़ा विलन कोई है ही नहीं इस देश में। ऑडियो ऑन करिए राजकुमार जी। मीना जी, सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता, पूरी कांग्रेस पार्टी सेना के तमाम जवानों को सैल्यूट करती है उनकी बहादुरी के लिए, और आपके चैनल पर मैं भारतीय जनता पार्टी को और देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को यानी बर्फ किस तरीके से हमारे बॉर्डर की, हमारे सबकी सुरक्षा करते हैं। और तकलीफ जब होती है जब केवल पॉलिटिकल श्रेय लेने के चक्कर में हमारी पॉलिटिकल पार्टियां उनको भी हथियार बना लेती है। सेना का काम है हमारे देश की सुरक्षा करना, लेकिन क्या किया है, मैं मेरी पार्टी की सुरक्षा करूंगा और मैं श्रेय लेने के लिए मैं और पॉलिटिकल पार्टी को वीक करने में लगा हुआ हूं। सेना मजबूत होनी चाहिए, सेना को अच्छा खाना पीना हथियार तनख्वाह घर उनके परिवार की सुरक्षा उनके परिवार के लिए लंबी योजनाएं तमाम, जब बॉर्डर पे जाता है उसके परिवार को सैनिक को ये पता नहीं होता है कि वो पता नहीं दोबारा लौटेगा या नहीं लौटेगा, कब लौटेगा, कितने दिन के लिए लौटेगा, किस हालात में लौटेगा। तो सेना के मामले में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। जहां तक मैं देश के प्रधानमंत्री या सेना की तरफ से या पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से आई है उनको दुरुस्त करें, सेना के हित में लागू होनी चाहिए, सेना का उसमें भला होना चाहिए, चाहे वो पुराना सैनिक हो चाहे वो नया सैनिक हो, सेना के किसी भी सैनिक को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है, कांग्रेस पार्टी इस मामले में कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती है। भारत के प्रधानमंत्री से मैं अपील करना चाहता हूँ, कोई भी योजना आप लागू करें अग्निवीर जैसे या कोई भी सेना के मामले में सैनिकों को कॉन्फिडेंस मिले, कोई भी सैनिक उस योजना से लाभान्वित से नहीं होना चाहिए, देश के हित
राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, ये जो तमाम आपने अच्छी बात कही है नैतिकता की, पार्टी से ऊपर उठने की, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी कहते हैं अग्निवीर को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। अब ये जो राजनीति है, सेना का तो कोई व्यक्ति बोल नहीं रहा है, सेना के तो जवान से लेकर तीनों सेना प्रमुख तक को इस संबंध में एक बार फिर से रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। राजीव तिवारी जी, मुद्दा कहाँ फंसा हुआ है, पेच कहाँ है, प्रॉब्लम क्या है? अग्निवीर को लेकर बैकफुट पर जाना पड़ेगा सरकार को, या फिर सरकार जो यहाँ पर मेजर जनरल अनुज माथुर कह रहे हैं कि सालों सालों की जो मांग थी, उस पर जितनी रिपोर्ट हुई, जिस पर जितना डिस्कशन हुआ, उसके बाद अगर कोई काम हुआ है तो क्यों सरकार इस मुद्दे पर पीछे जाए? ऑडियो ऑन करिए सर। अभी इसमें बैकफुट पर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देखिए अभी मेजर जनरल भी कह रहे थे कि कुछ विसंगतियां हैं, आप खुद भी मान रहे हैं, आप इनको दूर कर दीजिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज का इनका मुद्दा अलग है, ये कहते हैं हमसे देश में आम सहमति नहीं बनाई गई। भाई सेना के सारे मामले अलग तरीके के होते हैं, उसमें आम सहमति की जरूरत नहीं होती, वो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं, उनको आपको उसी तरीके से हैंडल करना पड़ता है, उसी तरीके से उन नई योजनाओं को बनाना पड़ता है। अब देखिए आज ही सारे पेपर्स में न्यूज है कि आयरन डोम, भारत खुद डोम जो है वो भारत खुद विकसित कर रहा है, और वो इसराइल वाले से भी बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है उसको। तो अब इसके लिए पूरे पब्लिक से कोई इससे रायशुमारी करनी चाहिए क्या? भाई देश की जरूरत है, वो सुरक्षा की जरूरत है, उसको बनाने के लिए इसी तरह है। अगर सेना की भर्ती के किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी उसके तरीके में अगर कोई चेंजेस होते हैं, तो ये जरूर है कि सेना और सेना के पूर्व अधिकारियों जो वर्तमान में है और पूर्व अधिकारी हैं, उनकी एक कोई कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी उसको सारे एस्पेक्ट्स को उसको देखे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को दे, सरकार उस पर निर्णय करे। तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कुछ नहीं होता। भाई सेना के जवानों के लिए, सेना के अधिकारियों की ओर से कोई अगर योजना आती है, या रक्षा मंत्रालय की ओर से या भारत सरकार की ओर से कोई योजना आती है, तो उस योजना को अगर प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से उस पर गहन विचार विमर्श चर्चा करके उसके सभी जो भी पहलू हैं उनको अगर मद्देनजर रखकर और फिर उसको अगर कोई योजना को लाया जाता है, तो किसी को कोई उस पर नहीं होना चाहिए। अभी जो सबसे बड़ी चीज हुई कि अचानक ये योजना आ गई, जैसे मोदी जी का खैर वर्किंग स्टाइल भी यही है कि नोटबंदी करी अचानक कर दी, जीएसटी का आया तो अचानक आ गई, बाद में जरूर उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते रहे, लेकिन वो उनकी स्टाइल है करने की, तो ये है। लेकिन जब हम सुरक्षा की बात करते हैं और देश के करोड़ों नौजवानों का उसके अंदर आता है कि भाई उनके भविष्य का सवाल है, तो उसके अंदर जरूर इस पर पुनर्विचार होना चाहिए कि इसकी बेहतरी के लिए और क्या क्या हो सकता है इस योजना में, कि सब युवा भी संतुष्ट हों, देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा भी पैदा ना हो, और आगे बढ़कर जैसे कि आशंकाएं बताई जा रही हैं कि साहब 2035 तक जो कॉम्बैट फोर्स है उसके अंदर कमी आ जाएगी, तो ये सारी चीजें हैं, इन सब पर एक बार वापस से मंथन हो जाए, क्या दिक्कत है? योजना वापस लेने को तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कह रहा, सिर्फ ये विपक्षी पार्टियों को छोड़कर, तो विपक्षी पार्टियों करने दें आंदोलन, क्या जाता है? अभी तो 5 साल फिर मोदी जी के पास पड़े हुए हैं, रक्षा मंत्री भी वही राजनाथ सिंह जी हैं, फौज के सारे आपके जो डोभाल साहब हैं वो भी वही हैं, अपने डिफेंस एडवाइजर, सारी चीज वही है, ये लोग वापस से कर लें। और इसमें मेरा कहना एक बात जरूर है कि जो वॉर लड़ चुके हैं, चाहे वो 62 वाले हों, 65 वाले हों, 71 वाले हों, कारगिल वाले हों, या और कोई से श्रीलंका में पीस फोर्स में गए हुए हों, इन सब लोगों की भी, उनमें से जो भी अभी चुनिंदा लोग हैं, बड़े
पौधों पर रहे हुए हैं उन सब की एक कमेटी बनाई जाए और ये जो पूरा इसका जो फॉर्मेट है उस पर एक बार पूरे दोबारा से चर्चा हो जाए, जो आपत्तियां अभी तक आई हैं लोगों की उन पर चर्चा हो जाए, क्या उसके अंदर और हम नया कर सकते हैं, क्या उसमें संशोधन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हो जाए तो फिर क्या बात है, अच्छी चीज है। तो आपका ऑडियो ऑन कीजिए मीना जी। आज रिकॉर्ड बन गया सर सभी को। तो मैं ये बात कर रही थी कि इसको लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत ही ज्यादा मुद्दा बनाया गया और जो चुनाव के नतीजे आए उसमें यहाँ तक कि झुंझुनू के जैसे कैंडिडेट हैं उन्होंने कहा और भी लोगों ने कहा कि अग्निवीर की वजह से युवाओं की जो नाराजगी थी वो कैंडिडेट्स को झेलनी पड़ी और बीजेपी को नुकसान हुआ। सवाल ये है मेजर जनरल अनुज माथुर जी कि पार्टी को नुकसान वाकई में युवाओं का अग्निवीर से हुआ या नहीं हुआ, ये तो एक अलग शोध का विषय हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि सेना के जो तीनों प्रमुख हैं, क्योंकि सेना के कोई भी व्यक्ति चाहे वो कोई जवान कांस्टेबल से लेकर तमाम उच्चाधिकारी हैं वो खुलकर सामने आकर बात नहीं कर सकते, लेकिन जब आपकी बातचीत होती है और आप फीडबैक लेते हैं, सेना का दरअसल सोचना क्या है, तीनों सेना प्रमुखों का क्या फीडबैक है, वो क्या सोचते हैं इस विषय में? मीना जी, मैं पहले तो एक अगर आप इजाजत दें तो राजीव जी की बात पे कुछ थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहूंगा। राजीव जी, आपने कहा अचानक से सब काम हुए, मानता हूं जीएसटी हो सकता है, नोटबंदी हो सकता है, लेकिन ये अग्निवीर जो है वो मैं नहीं मानता कि अचानक से हुआ है, क्योंकि सालों से ये काम पेंडिंग है, सालों से इस पे बातचीत चल रही है, सालों से इस पे लोग चाहे वो सैनिक हों चाहे वो मिनिस्टर्स हों चाहे कोई भी हो वो इस पे काम कर रहे हैं। तो ये आप मान लें कि ये चीज अचानक से नहीं आई है, इस पे काफी समय लगाया गया है और अगर काफी सोच विचार किया गया है। लेकिन आप देखिए मीना जी, कोई भी चीज आप नई कहीं भी लगाते हैं तो कोई भी चीज पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकती, तो वो लगने के बाद एक बार उसको आप परखना शुरू कर दें तब आपको पता पड़ता है कि इसमें से कुछ क्या क्या कुछ खामियां हैं। देखिए, जो मेरा ये मानना है कि इसका इलेक्शन पे क्या असर हुआ या क्या नहीं हुआ वो मुद्दा है नहीं। अगर इसका इलेक्शन पे असर होना होता तो उत्तराखंड हिमाचल जेएंडके में सर्वाधिक होता, क्योंकि उत्तराखंड हिमाचल और जेएंडके में पूर्व सैनिकों का और सैनिकों का मत परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा मायने रखता है। झुंझुनू में या कहीं भी, मतलब कहीं भी उत्तराखंड का जो, तो इसको हम मेरा मानना यह है कि इसको हम एक तरफ रखते हैं, इसका सरकार पे क्या असर हुआ या नहीं हुआ, हम स्कीम की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, मैं आपको एक जो सबसे बड़ा प्रश्न, जो कि सबको लगता है कि सबसे बड़ा प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि ये जब अग्निवीर सेना से बाहर आएंगे तब क्या होगा। इसको मीना जी समझने के लिए मुझे अगर आप 2 मिनट का समय देंगे तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, आज की तारीख में कोई भी बच्चा जो नौकरी कर रहा है वो नौकरी करने की एवरेज उम्र क्या है, आप अपने घरों में देख लें, कहीं भी आप देख लें, एवरेज उम्र कोई भी बच्चा 22 23 24 साल से पहले कोई नौकरी नहीं कर पा रहा है। आप देखेंगे 10वीं क्लास 16 साल की उम्र में 5 साल कम से कम शिक्षा और ग्रहण करेगा, 21 वर्ष में तो वो पास आउट होता है, तो 22 23 से पहले कोई नौकरी नहीं करेगा, पहली बात। तो अब ये जो अग्निवीर जो वहां से बाहर आएंगे वो 21 से 23 की उम्र में बाहर आ रहे हैं, तो वो एट पार हैं अपने बाकी साथियों से, मीना जी ये समझने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो व्यक्ति जो सेना में भर्ती होना चाह रहा है वो कौन होता है ये समझने की आवश्यकता है। वो व्यक्ति जो इंजीनियरिंग कॉलेज में है वो सेना में भर्ती नहीं होता, जो मेडिकल कॉलेज में गया वो सेना में भर्ती नहीं होता, किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में गया, क्योंकि सेना की भर्ती 10वीं 12वीं के बाद होती है, तो कोई भी व्यक्ति, ये वो लोग हैं जो किसी कारणवश, चॉइस से या अदरवाइज किसी कारणवश प्रोफेशनल लाइन में आगे नहीं जा पाए। यदि ये नहीं होते वहां तो ये कहीं ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे होते और फिर
थोड़ा बहुत आगे अपना काम देख रहे होते। अब आप देखिए कि उस उम्र में जब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते, शायद सबके लिए नहीं कह रहा हूं, शायद उस उम्र में आपने उन्हें पिकअप किया, अच्छी मिलिट्री ट्रेनिंग दी, ये ट्रेनिंग का भी विषय है, मैं बताऊंगा, प्लीज आस्क मी ए क्वेश्चन ऑन ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग दी, अच्छे संस्कार दिए, राष्ट्र प्रेम की भावना उनमें दी, उनको सोल्जर बनाया, उनको सो कॉल्ड जो बेसिक वैल्यूज हैं वो उनको दी, और चार साल बाद उनके हाथ में एक मोटी टैक्स फ्री राशि देकर के आपने उनको बाहर भेजा विद ए प्रोविजो कि कई सारी जगह पर आपको आपको प्रायोरिटी रिक्रूटमेंट में मिलेगी। तो ये जो मानना है कि चार साल बाद क्या होगा, ये मेरे हिसाब से पूरी तरह आधारहीन है। आज की तारीख में आप देख लें कि किस प्रकार से क्या लोग कर रहे हैं, इनको बहुत अच्छा स्टार्ट मिल सकता है, उसके बाद इनको बेसिक क्वालिफिकेशंस दी जाएंगी, बेसिक इनके पास, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन विचारणीय है, इस बात का यकीन करना पड़ेगा, इस बात का देश को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जो सैनिक ट्रेनिंग करके चार साल सर्विस करके बाहर निकल रहा है वो फालतू ना घूमे, ये करना पड़ेगा। और आपको मैंने एक आपके साथ आर्टिकल शेयर कर दूंगा, मैं 50 ऐसी जगह है जहां पर उनको रिक्रूट करने के लिए लोग बाग ऑलरेडी तैयार बैठे, एक अच्छा ईमानदार मेहनती लड़का आपको मिल रहा है, स्किल्ड, वो बहुत आवश्यक। दूसरा प्रश्न जो कि मैं आपको कह रहा था, वो इनकी ट्रेनिंग पर प्रश्न उठाया जा रहा है। देखिए, मैं अपनी सर्विस के दौरान 3.25 साल रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर का कमांडेंट रहा हूं। रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर मीना जी वो जगह होती है जहां पर कि इन रिक्रूट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। आप पूरी दुनिया की तमाम अच्छी आर्मी से अपने रिक्रूट के ट्रेनिंग पीरियड को कंपेयर कर लें मीना जी, भारत के रिक्रूट की ट्रेनिंग पीरियड पूरी दुनिया में सर्वाधिक है, सर्वाधिक। मैं सेंटर कमांडेंट रहा हुआ हूं, मुझे मालूम है कितनी टाइम की आपको बेसिक आवश्यकता है उसके बिना। अब आपको मैं बताता हूं, देखिए ये बात समझिए, जब आवश्यकता पड़ती, मान लीजिए 71 में जो बच्चे ट्रेनिंग में थे और उनको युद्ध में तुरंत भेजने की आवश्यकता है, तो ये माना जाता है कि एक बच्चा जिसने 19 सप्ताह की ट्रेनिंग पूरी कर ली है वो युद्ध में जाने के लिए तैयार है। तो इस बात से आप निश्चिंत रहें कि यदि कोई ये होने से राष्ट्र की सुरक्षा पर आघात होने वाला है, इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। 6 महीने की ट्रेनिंग बिल्कुल मेरे हिसाब से वो ट्रेनिंग पीरियड एडिक्वेट है, क्योंकि जवान की जो ट्रेनिंग बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग रेजिमेंटल सेंटर्स में होती है और एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग जो रेजिमेंटल सेंटर्स में होती है, उसके लिए 36 हफ्ते जो भी 6 महीने का टाइम है वो मेरे हिसाब से एडिक्वेट है। तो अब आप उसकी जो मेन ट्रेनिंग होती है जवान की वो यूनिट में जाने के पश्चात होती है, यूनिट वाले उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि आप किस प्रकार की लाइन में आगे बढ़ेंगे और किस प्रकार से ट्रेनिंग करेंगे और किस में महारत हासिल करेंगे, आप MMG में जाएंगे या LMG में जाएंगे या ये करेंगे या वो करेंगे। तो ये तमाम चीजें एक सैनिक जो है, आप मानेंगे नहीं इस बात को, मीना ऐसे रिटायरमेंट पहले तक ट्रेनिंग कर रहा था जी। बिल्कुल बिल्कुल अनुज माथुर जी, हिंदुस्तान की आपके मुताबिक जो ट्रेनिंग है वो दुनिया के देशों की तुलना में बहुत बेहतरीन है। हिंदुस्तान की आर्मी ने और हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं ने अलग अलग समय पर इस बात को प्रूव किया है कि वो कितने काबिल हैं, इसलिए उस वो सोच का विषय वो कम से कम कंफ्यूजन उसमें किसी को नहीं है। रिसोर्स रहा है। मैं अनुज माथुर जी आपके पास आऊंगी, हमारे साथ राजपाल फोगाट जी जुड़े हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं गौरव सेनानी शिक्षक संघ के। सवाल ये है राजपाल फोगाट जी कि ये जितनी भी अग्निवीर को लेकर चर्चा हुई, विवाद हुए, बहस हुए, उस बीच में आपके यहाँ बच्चों के उस पर, बच्चों के मनोबल पर, बच्चों के उत्साह पर जो कि पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग के लिए वहां जाने की तैयारी करने की लालसा के साथ आते हैं, क्या असर हुआ मनोवैज्ञानिक रूप से और करियर के लिहाज से?
अपना ऑडियो ऑन कर लीजिएगा राजपाल जी। हाँ जी हाँ जी बोले। आवाज सुन पा रहे मेरी? हाँ जी हाँ जी। हाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अग्निवीर है ये एकदम से बहुत साल के बाद में हिंदुस्तान के अंदर एक सेना के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। उसको समझने में उसको ग्राउंड पर व्यवस्थित करने के लिए जो सरकार ने एकदम भेजा था तो किसी को समझ नहीं आया। लोग उसको देख रहे थे कि क्या होगा, चार साल क्या नौकरी करेंगे, टर्निंग कितने दिन की होगी, उसको लेकर भयंकर संशय रहा। मैं भी सेना में रहा हूँ और इस बात को मैं अच्छे से जानता हूँ कि चेंजिंग जरूरी था लेकिन एकदम से चेंजिंग करना ये किसी को पच नहीं पाया, उसको हजम नहीं हुआ। और जो सेना के अंदर जो जवान भर्ती होने के लिए यहाँ जो प्रैक्टिस करते थे, चाहे फिजिकली है रिटर्न की है, उनके दिमाग में एक ही चीज हो गया कि बस फौज की नौकरी चार साल की रह गई है। तो वो बिल्कुल निराश हुए हैं, इसकी जो परिभाषा थी वो बिल्कुल उनको समझ नहीं आया। और मैं भी चाहूंगा कि भविष्य में इसको लेकर जो टेक्निक फौज है, चाहे वो आर्मी हो चाहे नेवी हो या एयरफोर्स हो, उसमें कुछ जो टेक्निक पद है उनकी उनके लिए मुश्किल है, बट जो इन्फेंट्री का सोल्जर है उसके लिए ट्रेनिंग मेरे हिसाब से ठीक है। उनको ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद में वो चार साल वहां रहेगा, वहां का माहौल देखेगा, उसके बाद वो निर्णय कर पाएगा कि मैं यहाँ रहूं या वापिस सिविल के लिए जाऊं। उसका जो डेडिकेशन है, देशभक्ति की भावना है, अगर सिर्फ और सिर्फ हम रोजगार को लेके देखते हैं कि बस रोजगार चाहिए तो वो बात छोटी बात है, लेकिन अगर देश की भावना से अगर वो जवान वहां काम करेगा चार साल के बाद में, वो सैलरी और जो वेलफेयर को साइड में रख के एक अच्छा सैनिक बनने के लिए देश भावना से वो अगर सर्विस करता है तो ठीक है ये योजना। और इसमें कुछ चेंजिंग की जरूरत है, जो हमें अभी बार बार सुनने को मिल रहा है, पेपर्स पढ़ते हैं, न्यूज सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया में हम देखते हैं कि ये जो अग्निवीर की स्कीम है इसमें सभी को एक बार भयंकर निराशा हुई, रोजगार की कमी से जुड़ा गया। और इस सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम चाहते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो उसमें चेंज की जाए, कुछ लेंथ ऑफ सर्विस है, कुछ इसके पे और अलाउंसेस को बढ़ाया जाए। कई बार देखते हैं कि जवान इस चार साल के पीरियड के दौरान अगर एक्सीडेंटल या वो जवान देश के लिए बॉर्डर पर शहीद होता है उसमें क्या फर्क किया जाए, बहुत सारी चीजें अभी तक किसी को भी ये चीज नहीं देख पा रहे हम। और मैं राजस्थान से यहाँ बिलोंग करता हूँ, झुंझुनू जिला, जो कि पूरे देश में नंबर वन शहीदों के लिए, यहाँ से 483 शहीद हो चुके हैं आज तक हमारे भारत में, सिर्फ और सिर्फ हमारे झुंझुनू जिले से। राजपाल जी क्योंकि आप उस जिले से आते हैं जहाँ से पूरे देश में हिंदुस्तान में नजीर पेश की जाती है कि झुंझुनू के हर घर से सेना में जवान ऑफिसर सब पहुंचते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने जितनी आपने बातचीत की है उसमें ये समझ में आता है कि अग्निवीर दरअसल एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन जैसा राजीव जी ने कहा वैसा ही आपने कहा कि दरअसल एकदम अचानक लोगों के बीच आई। अनुज माधव जी ने कहा कि वो बनी अचानक नहीं थी, उसमें लंबे प्रक्रिया थी, सोच थी, लोगों के विचार थे, डिस्कशंस थे, सालों साल लगे, लेकिन वो तो जनता को समझ में नहीं आया कि इतने सालों के इंतजार के बाद जो डिस्कशन के बाद चीजें सामने आ रही, जनता को ये लगा कि अचानक आ गया। मेरा जो आपसे समझने का पूरे देश में युवा पीढ़ी जो इस वक्त आपको देख रही है सुन रही है, और जो युवा पीढ़ी कंफ्यूजन में, आपने भी कहा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन क्योंकि आप खुद आर्मी से थे, आप आर्मी से हैं और आपके पास भी जो बहुत सारे जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये तैयारी कराते हैं सेना में जाने के लिए, वो जो बच्चे आए उनको जो कंफ्यूजन था, क्योंकि कोई भी नई चीज आती है तो जानकारी लिए बिना हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें फैला दी जाती हैं, बढ़ा दी जाती हैं, आगे बढ़ा दी जाती है। सवाल ये है कि ये जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन के बीच जो युवा आने वाले थे उनमें ये तो हुआ कि चलो अब नौकरी का समय कम हो गया, लेकिन क्या ड्रॉप आउट भी देखा गया? क्या उनकी संख्या आपके यहाँ कम हुई जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कि नहीं अब सेना में नहीं जाना है, या उसमें बढ़ोतरी हुई कि अब मौका ज्यादा लोगों को मिलेगा? नहीं, उसमें भयंकर कमी हुई। जो भी हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर थे, इंस्टीट्यूट थे, जो कोचिंग चला रहे थे, वहां बच्चों की संख्या करीब 20% रह गई, 100 में से 20 बच्चे, मतलब इतनी भयंकर वो निराशा हुई समाज के अंदर पेरेंट्स को कि बच्चे को हम कहीं कोचिंग में भेजते हैं लेकिन वो अगर जाएगा तो भी चार साल के लिए जा रहा है। और इस बात को लेकर उसके पेरेंट्स है, वो क्षेत्र है, वो सारा का सारा चिंतित था।
कि हम चार साल की नौकरी के लिए बच्चे को नहीं अलाउ करते हैं, बट वो ये चीज नहीं समझ पा रहे थे कि वो चार साल के बाद अगर वहां नहीं सेट होता है तो उसको आने के बाद में क्या मिलेगा, वो जो पैसा लेके आएगा वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, किस जॉब के लिए उसको आरक्षण रिजर्वेशन कितना मिलेगा, ये सारी की सारी चीजें अभी तक किसी ने नहीं बताई। और मैं भी खुद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ तो मेरे को भी ये समझ में आ रहा है कि वो जो बंदा वहां चार साल के बाद में आएगा वो कहाँ जाएगा, उसके लिए प्लेटफॉर्म कहाँ कहाँ उचित है, उसके सिक्योरिटी क्या लाइफ की, तो ये चीजें उसके लिए बेहतरीन नहीं साबित हुई। बट अगर वहां जाने के बाद में वो बहुत अच्छा काम, बिल्कुल बिल्कुल राजपाल जी आपने कहा 80% बच्चे कम हो गए, सिर्फ 20% स्ट्रेंथ रह गई, इसका मतलब बहुत बड़ा परिवारों में और युवाओं में एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए इतने बड़े बड़े एजुकेशन भी हुए इसको लेकर, बहुत रोष भी देखने को मिला। अनुज माथुर जी ने कहा कि नहीं, अगर इसका असर चुनावों पे होता तो उत्तराखंड जैसा राज्य, उदाहरण भी उन्होंने दिया। राजीव तिवारी जी, इसका मतलब साफ है कि चुनाव के परिणाम पर जो राजपाल जी बता रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस का सच है, वो ये बयां कर रहा है कि चुनाव के परिणाम में उसका असर देखने को मिला, और इसीलिए सरकार बनते ही कमेटी बनना और उसके रिव्यू के लिए बात करना, सरकार की प्राथमिकता में आना आने वाले चुनावों के मद्देनजर। क्योंकि एक और बात जो अनुज माथुर जी ने कही कि ग्रेजुएशन करना, उसके बाद प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाना, ये सब नहीं कर पाते हैं वो बच्चे आते हैं यहाँ पर। यानी कि देशभक्ति देश राष्ट्र को है ही, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में एक सीमाएं भी हैं। तो आपको आर्मी में जाते हैं, आप अपने जीवन परिवार से दूर जाते हैं, सेक्रीफाइस भी इसमें होता है बहुत बड़ा, तो उसकी एक कॉस्ट भी होती है। परिवारों को और युवाओं को लगा कि अब वो कॉस्ट भी शायद कम कर दी गई है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताऊं आपको कि उत्तराखंड में या हिमाचल में या राजस्थान में या जम्मू कश्मीर में चुनाव पर असर की बात है तो देखिए, सब जगह इस बार जो यूथ की वोटिंग है सब जगह कम हुई है, और जो आदमी फौज में रह लिया 5 साल 10 साल, भले ही शॉर्ट सर्विस कमीशन में हो या पूरी उसने नौकरी करी हो, फौज में जो रह लिया वो या उसका परिवार, वो वोट नहीं दे ऐसा संभव नहीं है। वो वोट जरूर देगा, अब किस पार्टी को भी देता है, जहां उसकी प्रतिबद्धता है वहीं देगा। तो जो हिमाचल में और वहां क्या है कि परिवार ज्यादा है, झुंझुनू में और हमारे जो शेखावाटी में या मारवाड़ में, यहाँ पे कैंडिडेट्स ज्यादा है, तो वो सबसे बड़ा फर्क जो चुनाव में देखा गया। जैसा कि अभी मेजर जनरल साहब कह रहे थे कि हिमाचल में और वहां फर्क क्यों नहीं पड़ा, तो वहां फर्क पड़ने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि वहां फौज के परिवार ज्यादा रहते हैं। मैं भी वहां पे लेंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स में करीब एक महीना बिता के आया था, वहां पे लोगों से मिला था, सारा जो हेडक्वार्टर है वहां पे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी मैं गया, वहां भी मैंने उधमपुर में, पंजाब में आ जाता है या उसके आगे भी वहां पे राजौरी में, वहां पे मैं आर्मी के कंटोनमेंट में गया, वहां भी मैं देख। तो वो उस इलाकों में क्या है कि वहां परिवार ज्यादा है, फौजियों के परिवार ज्यादा है, अफसर्स के परिवार ज्यादा है, तो जहाँ पे वो लोग हैं वो जरूर। और जहाँ यूथ नया, अभी जो आर्मी में ये सैनिक भर्ती होने जाते हैं वो सामान्य परिवारों से जाते हैं, उनमें आर्मी के परिवार के जो पूर्व फौजियों के परिवार के लोग बहुत कम होते हैं, या जो उनके परिवार के होते नहीं है तो वो कमीशन ऑफिसर बनने जाते हैं, वो 12th के बाद NDA का एग्जाम देंगे या ग्रेजुएशन के बाद IMA करेंगे या और जो दूसरे SSC के एग्जाम्स होते हैं उनको करेंगे। ये फौज जो जवान बनने जाते हैं वो 4 साल के लिए, वो बेचारे मेहनत करते हैं, 8वीं क्लास से 10 किलोमीटर दौड़ने की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। बहुत सारी एकेडमियां खुल गई हैं, गांव-गांव में एकेडमियां खुल गई हैं। आप इधर मालपुरा की तरफ जाइए, आप सीकर की तरफ जाइए, जगह जगह आपको गाँव में एकेडमियां दिखेंगी। तो उन एकेडमियों में कमाई उसी से होती थी, तो
भाई कसरत कर, 10 किलोमीटर दौड़, ये बहुत जरूरी है, और उसमें कुछ बेसिक चीजें भी वो लोग कराते थे उनको, तो वो सारी चीजें होती थी। और एक 4 साल का जो पीरियड है, मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन 4 साल का पीरियड ये कम है, ये एटलीस्ट 8 साल का तो होना चाहिए था। माथुर साहब जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि हर 2 साल में एक जवान की तबादला हो जाता है, कुछ हार्ट स्टेशन पे होता है, कुछ सॉफ्ट स्टेशन पे होता है। तो देश के अंदर कम, मतलब मैंने जब तक देखा तब तक 16 कमांड थी आर्मी की, तो उन 16 कमांड में उसको घूमना ही, मतलब हर 2 साल में वो तो 2 कमांड से ज्यादा जा ही नहीं पाएगा, रिटायर हो जाएगा। अब उनमें से 25% ऐसे होंगे जो वो सभी कमांड में जो भी परमानेंट हो जाएंगे, जा पाएंगे, तो प्रॉपर ट्रेनिंग में नहीं उसको कॉम्बैट ट्रेनिंग हो पाएगी। वो जो सिर्फ बेसिक जो उनको ट्रेनिंग सेंटर्स में जो ट्रेनिंग मिली वही हो पाएगी, उनको प्रॉपर जो बॉर्डर पे जो चीजें होती हैं, जो उनको परेशानियां या अच्छाइयां बुराइयां, दुश्मन का सामना, टेररिस्ट का सामना, इन्फिल्ट्रेटर्स का सामना, और ये तस्करों का सामना, ये सारी चीजें जो है, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, वो मेरे ख्याल में 4 साल कम रहते हैं उसके लिए कि वो सारी चीजों को देखें समझें, और उसके बाद भी अगर 8 साल बाद रिटायर होके वो आता है तो उसको बहुत बेहतरी के, क्योंकि अब 18 साल में चले जाएगा तो आजकल सामान्य 23-24 साल से पहले तो बच्चा नौकरी में लगता ही नहीं है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, कोई टेक्निकल MBA करेगा, बी करेगा, कुछ दूसरी चीजें करेगा, तो उसको 25-26 साल लग जाते हैं इसके अंदर। तो अगर वो 18 साल से 26 साल में भी वापस आएगा, उसको वैसे भी गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि उसको एज में कंसेशन मिलेगा, नौकरियों में कुछ आरक्षण भी उनको मिलना चाहिए, जैसे पुलिस की नौकरी हो गई और होमगार्ड्स की हो गई, या और दूसरे डिफेंस की, ये जो आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके अंदर अगर उनको रिजर्वेशन मिल जाए, शायद दे तो रहे हैं लेकिन बहुत कम है, तो वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तो ये जो 75% आएंगे वापस। जी, तो सवाल ये है राजकुमार शर्मा जी, राजीव तिवारी जी, अनुज माथुर जी, राजपाल फोगाट जी, सभी एक ही दिशा में हैं, और आई एम श्योर आप भी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष भी, मांग यही है कि भाई इसमें युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। ऐसा मैसेज गया कि युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, ऐसा मैसेज गया कि युवाओं के मतलब जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो बड़े पशुपेश में है कि भाई इतना खर्चा लगाएं, ट्रेनिंग कराएं, इंस्टीट्यूशन भेजें, उसके बाद सैक्रिफाइस भी करें, घर से इतना दूर भी जाए बच्चा, और उसके बाद हासिल क्या हो रहा है, 4 साल बाद आप वापस घर आके बैठ जाते हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ी परेशानी जो है वो समझ में आई, विपक्ष भी इसमें जितनी ताकत लगा पाए। आपको लगता है राजकुमार शर्मा जी कि आज जो विपक्ष मजबूत हुआ है, अब मजबूत विपक्ष इस दिशा में और ज्यादा मजबूती के साथ युवाओं के साथ खड़ा होता है, तो क्योंकि राहुल गांधी तो बार बार बोल रहे हैं कि वो इसे किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे और बहुत मजबूती से बोल रहे हैं, तो अब कुछ सरकार इस दिशा में थोड़ा मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाने जा रही है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही है कि इसको 4 साल की जगह 7 साल या 8 साल कर दिया जाए, तो पार्टी को क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को, कि ये मध्यम मार्ग उचित है, या फिर आप लोग अपनी बात पर अडिग हैं, मतलब टिके हुए हैं कि नहीं इसे पूरी तरह से वापस ही लेना पड़ेगा? मीना जी, राहुल गांधी जी भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, पर एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता हैं, नौजवान नेता हैं, उन्होंने 2 बड़ी भारत जोड़ो यात्राएं की है, हर गांव ढाणी में, हर शहर में, हर स्टेट में वो गए हैं, हर तरह के लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, उनसे अपना फीडबैक लिया है। राहुल गांधी जी वो नेता है जब उन्होंने एक बार कहा था कि लॉकडाउन अचानक बंद लगाओ, मोदी जी में क्या प्रॉब्लम है, वर्तमान सरकार में क्या प्रॉब्लम है, भारतीय जनता पार्टी का विचार रखने वाला या प्रवक्ता इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, पिछले 10 साल से मोदी जी क्या हर धर्मयुता के साथ कोई योजना को लागू करना चाहते हैं। आप बताइए, नोटबंदी हुई, मुझे जहां तक समझ में आता है, नोटबंदी से आम आदमी का कोई फायदा नहीं हुआ, जिनको लाभ देना था उनको लाभ मिल गया, जिनको हानि पहुंचती थी उनको हानि पहुंची, ऐसी हालत जीएसटी है,
जीएसटी के अंदर आप बताइए कैसे जबरदस्ती से अग्निवीर पे बने रहेंगे। राजकुमार जी अग्निवीर पे बने रहेंगे प्लीज, क्योंकि समय कम है हमारे पास और विषय इम्पोर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ ना, तो नोटबंदी उन्होंने जबरदस्ती लागू की, जीएसटी उन्होंने जबरदस्ती लागू की, जीएसटी के अंदर 50 बार उनको आगे पीछे होना पड़ा। ऐसे ही अग्निवीर है, अग्निवीर की जो खामियां हैं उनको दूर करें तो बेहतर होगा। अब आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी मणिपुर पे 1 साल से नहीं बोल रही थी और कल गृह मंत्री ने मीटिंग बुलाई है। तो जो मुद्दे देश में उठ जाते हैं, चाहे वो किसी योजना के माध्यम से हो, चाहे वो किसान के माध्यम से हो, भारतीय जनता पार्टी उसमें हर धर्मिता क्यों लगाती है? राजकुमार जी विपक्ष की आवाज को मजबूती से सुना जाए इसके लिए आप विपक्ष में अध्यक्ष जी को बोलिए, आप लोगों को रिसोर्सेज दुरुस्त करें, इंटरनेट आपका दुरुस्त करें, परेशानी ज्यादा हो रही है, आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे। अनुज माथुर जी लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुज जी देखिए, मीना जी मैं आपको दो तीन बातें बहुत आवश्यक तौर पर बताना चाहता हूँ। बात संख्या एक, ये जो हम अग्निवीर की स्कीम नजर आ रही है हमें आज, इस स्कीम के बारे में सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह, जो कि वेस्ट नामी कमांडर थे 1965 की लड़ाई में, और पूरी 1965 की लड़ाई की जीत का 100% श्रेय उनके सिर पे जाता है। उस लड़ाई के बाद उन्होंने ये स्कीम बताई थी कि 75:25 रेशो से रिक्रूटमेंट होना चाहिए, वो आवश्यक है। तो ये बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं मीना जी वेरी क्लियरली, कि जो भी ये कह रहे हैं कि इसमें आर्मी की सहमति नहीं थी, आर्मी का कुछ नहीं था, आर्मी का ये नहीं था, वो मुझे लगता नहीं कि वो बात सही है। उसमें आगे हमको दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो बताना चाहता हूं, जो कि लोगों को मालूम नहीं होती है, कि 65 से लेकर 71-72-73 तक भी इंडियन आर्मी की कन्वर्ट सर्विस 5 से 7 साल ही थी, और 5 से 7 साल की सर्विस के बाद विदाउट पेंशन बच्चे घर जा रहे थे, ये बात हमें मालूम नहीं है। यहां तक सवाल जो तीसरा राजीव जी ने उठाया, 16 कमांड तो इंडियन इंडिया में आज भी नहीं है, कमांड 6 हैं उसको, और उस कमांड से रिक्रूट पे असर नहीं पड़ता। जस्ट मिनट राजीव जी प्लीज, रिक्रूट पे इसलिए असर नहीं पड़ता कि जो जिस सर्विस ब्रैकेट में अग्निवीर हैं 4 साल तक के, वो कभी भी यूनिट से अलग कहीं नहीं जाते। तो अगर आपका मूवमेंट भी हो रहा है तो वो मूवमेंट तमाम यूनिट के साथ इकट्ठा मूवमेंट होता है। आप जैसे मेरी एक यूनिट है, मैं कश्मीर में था, वहां से निकल के पूरी की पूरी यूनिट देहरादून आई, तो उसमें जवान नहीं चेंज हुआ, ट्रेनर चेंज नहीं हुआ, ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं हुआ, उसका अड़ोस पड़ोस चेंज नहीं हुआ, लीडरशिप चेंज नहीं हुई, ट्रेनिंग देने वाले चेंज नहीं हुए, माइंडसेट चेंज नहीं हुआ। तो ये बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले 7-8 साल तक चाहे वो अफसर हो या जवान हो, वो अपनी पलटन से बाहर नहीं जाता है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। तो ये बात में बिल्कुल आप समझ लें। जहां तक सवाल ट्रेनिंग का, तीसरी बात जो मैं बता रहा हूं, आप इसको 8 साल करेंगे तो मैं इस बात से थोड़ा सा असहमति रखता हूं, क्योंकि 8 साल के बाद उस जवान की, उस बच्चे की उम्र 26 हो जाएगी। जब वो 26 से 28 वर्ष का बच्चा बाहर आएगा तो वो देखेगा कि उसके जो 7 के लोग हैं वो निकल चुके हैं जो भी करना है, लेकिन 21-23-24 तक अगर वो बाहर आ रहा है तो उसके 7 के बच्चे भी वही स्ट्रगल कर रहे हैं। आज आप देखिए टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनी जिसके सीईओ की तनख्वाह 250 करोड़ है, वो भी एक इंजीनियर को स्टार्ट 15,000-20,000 का स्टार्ट दे रहा है। कहां है, किस प्रकार की हम बात कर रहे हैं? यहां पर जो बच्चा अग्निवीर में जा रहा है उसको 30,000 से 45,000 सैलरी है, शानदार ट्रेनिंग है, वैल्यूज उसको दी जा रही है, मेहनत करने का मादा उसमें बिठाया जा रहा है, आपका डिसिप्लिन उसको सिखाया जा रहा है, और जब वो निकलेगा तो टैक्स फ्री 14-15 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे। आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो कि किसी प्रोफेशनल कॉलेज में एंट्री ना ले पाया हो, वो इतना पैसा, इतनी ट्रेनिंग, इतना स्किल लेकर के और 21 से 23 साल की उम्र में वापस आया है और फिर वो स्टार्ट करने की परिस्थिति में है। तो मेरा ये मानना है कि इसको 4 साल बढ़ाने का अर्थ उससे दैट मे बी काउंटर प्रोडक्टिव, आई मे बी रॉन्ग,
लेकिन संभावना है कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। ये चार साल मेरे हिसाब इसीलिए रखा गया है कि ये वो चार साल है जब वो बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता या पढ़ाई कर रहा होता अपने अगर वो फौज में नहीं गया होता, तो वही काम वो वहां कर रहा है। जब वो चार साल के पश्चात आता है तो 22, 23, 24 साल का बच्चा बाकी मेन स्ट्रीम में आता है आर्म्ड विद 14 लाख, 14 लाख रुपए टैक्स फ्री उसके पास होते हैं, तनख्वाह होती है, उसमें से बचत जो है वो है, ट्रेनिंग है, संस्कार है, वैल्यूज है, ईमानदारी है, मेहनत है। तो मेरा ये मानना है कि इस पे विचार किया जा सकता है। मैंने अपने आर्टिकल में इसके बारे में लिखा है कि एक आध दो से एक दो साल पैनलिस्ट हैं उनके साथ, लेकिन समय की हमेशा सीमा होती है। अनुज माथुर जी, बहुत ही व्यापक विषय है ये, और खास करके युवा जो यहाँ जाना चाहते हैं आर्मी में, सेना में, उनको उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है जानना कि दरअसल ये चेंजेस जो हैं उनका मतलब क्या है, क्यों किए गए हैं, क्या मांग थी, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। लेकिन अभी तो लग रहा है कि तुरंत मोदी सरकार ने एक्शन लिया, जो उनका काम करने की स्टाइल है, जो तुरंत फैसलों को लागू करने की बात है। राजपाल फोगाट जी, क्योंकि ये जो मोदी सरकार तुरंत फैसले लेती है और लागू कर देती है और उसका जनता पर इम्पैक्ट अलग अलग रूप में होता है, यहाँ पर इम्पैक्ट इस रूप में हुआ कि जो सेना में जाने की तैयारी करने वाले बच्चे, नौजवान और उनके परिवार थे वो पीछे हट गए, लेकिन उसके बाद भी इतना जबरदस्त विरोध भी हुआ। मतलब आप लोग, क्योंकि बीइंग एन एक्स आर्मी पर्सन, आपने इस बात को बेहतर ढंग से समझा होगा कि दरअसल सरकार की इंटेंशन क्या है। अनुज माथुर जी जो बता रहे हैं इसकी पूरी बैकग्राउंड क्या है, तो आपने इन फैमिलीज को समझाने का कोई प्रयास किया या फिर जो एजिटेशन बढ़ते गए और आप लोग हेल्पलेस होते गए? देखिए मैडम, ये जो स्कीम आई है, भारत में लॉन्च हुई है, ये देश दुनिया की बहुत ही एक बेहतरीन स्कीम लेके आए थे। कोई भी चीज में क्या बोलते हैं, दोष खोजना, अवगुण खोजना एक सामान्य प्रक्रिया होती है हर आदमी। विपक्ष का तो मैंने काम ये होता है कि वो चाहे कितनी भी अच्छी योजना करेंगे, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। मैं सेना का एक सिपाही रहा हूँ और मेरा बेटा आर्मी के अंदर मेजर है, ऑफिसर रैंक में, जनरल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा एक समाज, हम सेना में गए थे उस टाइम भी कोई जॉब के लिए नहीं गए थे, हमने होता था कि देश सेना, देश की सेना में क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, देश के लिए काम कर सकते हैं। बेटे का इंटरव्यू हुआ तो उसने बोला कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। बच्चे जो NDA करते हैं, साहब को पता है कि वो बहुत टैलेंट होते हैं, लेकिन वो फिर भी देश की सेना को चुनते हैं, बशर्ते कि उनके पास में और काफी ऑप्शंस होते हैं। चुनते किस लिए है कि उनको वहां काम करना बेहतरीन लगता है। मैं चाहता हूं, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का आदमी हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेना के अंदर 95% and above जो सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी के बच्चे हैं उनको नहीं जाना चाहिए सेना के अंदर, उनके लिए वो जो नहीं बना है। बशर्ते कि जो बच्चे ज्यादा नहीं चल पा रहे, जैसे अपने पास में पहले थे, सॉरी एक बार में आप अपने पास में जो आज से 30-35 साल पहले मैं गया था, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम सेना के अंदर जो भर्ती होने की लाइन थी वो ज्यादा नहीं थी। हम बहुत शौक से वहां जाते थे और आराम से भर्ती होते थे, दौड़ भाग करते थे, रिटर्न टेस्ट पास करते थे और बहुत अच्छे से, मैं 16 ईयर जॉब करके आया हूँ, बहुत अच्छे से हमने सेना के इन्फेंट्री के अंदर काम किया और हमें बहुत अच्छा लगा और वहां से निकल के तुरंत हम एजुकेशन में आ गए, यहाँ का आरक्षण मिला, हमारे को पेंशन मिल रही है, एक बेहतरीन लाइफ सेना के जवान होने के नाते। तो हम कभी नहीं चाहते कि ऐसी स्कीम को हम अन्यथा लेके जाएं। इस स्कीम में सुधार की जो जरूरत है, हम जैसे चाहते हैं कि बच्चा 18 साल का फौज के अंदर जाता है, वो जैसे जनरल साहब बोल रहे थे कि 4 या 5 साल वहां रखे, उसके बाद में तुरंत उसको फैसला करने का मौका दे कि आपको ये सेना पसंद है तो यहाँ रहिए, या फिर आपको पसंद नहीं है तो आप दूसरा अलग से आपका जॉब, आपका करियर चुन सकते हैं। मैं समझता हूँ, मैं एक देसी देहाती लोग हूँ, जनता का एक हिस्सा हूँ, अगर वहां 5 साल 4 साल एक सिपाही नौकरी करके आएगा तो अगर वो गाय भैंस का व्यापार करेगा, भेड़ बकरी का व्यापार करेगा, शेयर बाजार का व्यापार करेगा, बड़ा अच्छे से करेगा, उसके दिमाग में जो फितूर थे पहले करियर के प्रति वो सारे दूर हो जाएंगे, बैंक ठीक से ट्रीट करेंगे, किसी भी कार्यालय में जाएगा तो उसको ठीक से ट्रीट करेंगे और उसको हर आदमी इस भावना से देखेगा कि ये जवान है, देश सेवा करके आया है, तो उसको हम
बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल फोगाट जी, मेजर जनरल अनुज माथुर जी, राजीव तिवारी जी, आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर सबसे बातचीत करने के बाद जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है वो ये कि अग्निवीर एक सोची समझी बहुत योजनागत तरीके से बहुत लंबी बैकग्राउंड के साथ तैयार की गई योजना थी, लेकिन दरअसल सरकार इस योजना को ठीक से जनता के बीच रख नहीं पाई। जो मकसद था, जो एजेंडा था, जो इंटेंशन था वो साफ नहीं हुआ और कुछ इसमें खामियां थी जिनकी वजह से युवाओं में और उनके अभिभावकों में निराशा का वातावरण बना और पूरे देश में विपक्ष ने इसे जिस रूप में मुद्दा बनाया, विपक्ष की बात को जनता ने सुना, सरकार को कटघरे में खड़ा किया, नुकसान चुनाव में जनता ने सरकार को भी दिया और इसीलिए सरकार जो है अब उस पर पुनर्विचार कर रही है। किस तरह से मध्यम मार्ग निकलता है ये आने वाले बहुत जल्द कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ News 24 पर और इसी तरह आज समाज और देश में जो कुछ हो रहा है उसमें कैसे आगे बढ़ रही है तस्वीर, उस पर नजर बनाए रखिए। अपने सुझाव और अपने फीडबैक आप हमें देते रहिए हमारे YouTube और Facebook चैनल पर। अभी मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।